अलग अलग जगह अलग अलग कार्यों के लिए होती है। कुछ स्थान निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ खास लोग या परिस्थितियां ऐसी रही हों जिन्होंने कुछ जगहों को पूजनीय बना दिया है। तीर्थ यात्रा करने की वजह यही है कि लोग ऐसी जगहों की तलाश में जाते थे। पर इसे देखने का दूसरा तरीका ये है कि या तो आप ऐसे स्थान खोज सकते हैं या आप किसी स्थान को ऐसा बना सकते हैं। दूसरा विकल्प अच्छा लगता है, पर उसके लिए आपकी उपस्थिति असरदार होनी चाहिए। अभी आपके 3 आयाम हैं, इसे और बांटा गया है, पर मूल रूप से आपके पास एक भौतिक शरीर है, आपके पास विचार और भावना की मानसिक संरचना है और आपके पास ऊर्जा शरीर है। इन 3 आयामों में कुछ कर्मों की छाप मौजूद है। इस कर्म की छाप के आधार पर आपका शरीर एक तरह से व्यवहार करता है, आपका मन दूसरे तरीके से व्यवहार करता है, आपकी ऊर्जा अलग तरीके से व्यवहार करती है। एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। इन्हें फिर से ऐसे व्यवस्थित करें कि पहली चीज हमेशा जीवन ऊर्जा हो। ये सबसे प्रभावशाली शक्ति है। अगर ये एक चीज हो जाए तो जगह मायने नहीं रखती। अब जहां बैठे वो ठीक है, आप जहां बैठे वो एक महत्वपूर्ण जगह होगी, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण हो गया है। अगर जीवन महत्वपूर्ण हो जाए तो आपको कोई तीर्थ कोई जगह खोजने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं वो ठीक है, आपकी उपस्थिति जगह को महत्वपूर्ण बना देगी।